students, welcome to your new class. अने sequencing problem कोचले, sequencing problem था, हमरो देखियो अब तो class रे मो, data sequencing problem दे चली, ये थ्रो, हमरो प्रायो उड़ाई पिला, कोचन थे, बाकी किसी पिला, कोरी ना थी as usual, ये जो पे मते, अब तेरे अबे कोरियो को पढ़िबो, ओके क्लियर देखो भलो भाबे तो मु गोटे करबी से दीटा जाय करू हमर जो होमवर्क देखला फाइंड ए सीक्वेंस एंड टोटल इलैप्स्ड एंड आइडल टाइम ओके क्वेश्चन दिया इतना इटा ए बी सी डी ई एफ मशीन वन मशीन टू ओके 3 12 18 9 15 6 Then 9 18 24 24 3 15 Okay, solution aminaba by using Johnson's method for sequencing. ओके तो इथि हमें फर्स्ट जॉब जॉब पे हमें ए बी सी डी ई एफ एम वन एम टू 3 15 Now for sequencing. हमको 1 2 3 4 5 6 short अगर करा 1 2 3 4 5 and 6 हिला बुझिला तो इधे हमें sequencing आरंभ करिया तो first रे देखो सब तो list इधे दीटा आज तो फर्स्ट में ओइटा नउची एटा हमरो m1 रे छि तो एटा पडियो ए देन सेकंड थ्रीटा ई एटा m2 रे छि एटा पडियो ई टाइप रे आसीला हमरो 6 6 टा छि m1 रे f एटा पडियो f देन आसीला हमरो 9 9 टा ले हमरो इथि e एपडे पडियो देन आसीला 12 कटिट बीटा एटी बी पड़ी हो बाकी आप पड़ी वाटा दरकार नहीं सीटा जुटा रहला देरफोर द सीक्वेंसिंग ए एफ डी बी सी ई ओके क्लियर बुझा पड़ी लाइटे जो दीटा तीन थी ला कहीं की मुनेली फर्स्ट दीटा को बिकॉज ये कंपेयर कर ले ये 9 थी ला ये 15 थी ला तो 9 टा स्मॉलर देन 15 सेज में मु 9 रो कॉरेस्पोंडिंग वैल्यू टा नेली तो हमर इडे सीक्वेंसिंग हे गला वंस सीक्वेंसिंग हे गला परे हमें एबे विल गो फॉर आइडल टाइम एंड इलैप्स्ड टाइम Now, for idle and elapsed time. Okay. Now for idle and elapsed time.
ओके तो ये हमें देखो फर्स्ट रे जॉब जॉब टा ए सीक्वेंसिंग टा पकेबा तापरे M1 M2 तापरे हमरो एठी M1 रो इन आउ आउट टाइम एठी M2 रो इन आउट टाइम ओके सीक्वेंसिंग टाइम था ए एफ डी बी सी ई उल्टा लिवे मिली सब ओके बर्तन आम देखीद तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये लिखीद एम ओन तीन बार अठर नौ पंदर छ नौ अठर चबीश चबीश तीन पंदर ओके तो बर्तमान स्टार्टिंग टा एज आई टोल्ड यू जीरो रे जीव जीरो रे एटे ए अच्छी एटा आमर थ्री अच्छी तो जीरो प्लस थ्री थ्री एटी आस थ्री एफ अच्छी तो ए बी सी डी ई एफ छ मिसब ओके छ मिसले चलती नहीं नौ एटी आस ए बी सी डी नौ नौ अठर मिसब अठर एटी आस ए बी बार मिसब थर्टी थर्टी एटी आस ए बी सी 48, 48 आसला एटे रहा आमर ई ए बी सी डी ई 63, 48 प्लस 15 इज इक्वल टू 63, ओके नाउ फॉर मशीन टू रे एटर इन टाइम टा 3, 3 सामने रे अच्छी 9 3 12 तापर अच्छी एफ ए बी सी डी ई एफ 12 15 ସତେଇଶ
3 machines. Okay. So it is, there are 3 machines A, B, C. Okay. There are 3 machines A, B and C. Pila? Do we? Each job is processed in prescribed order A, B, C. Each job is processed in the prescribed order A, B, C. A, B, C. See, जो मैं भी A, B, C बोली दे थी, से A, B, C दबाओ, A, C, B दबाओ, C, A, B दे पे रहे हो, जो भी order दे थी वो, से order रहे हमें जीबा. Okay. Now, एटी कौन हो बाबर? एटी तो table टा हबो. Job. एटी रही बाबर. Machine A. Machine B and machine C. Suppose job it is 1, 2, 3 dot 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 and Royla. Accordingly it is A1, A2 dot 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 AN, B1, B2 dot 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 BN, C1, C2 dot 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 CN. Empty sabu Royla. But this is the table. I'm going to take it off. তিনটা মেশিনস ওকে এবিসি দ অর্ডার এবিসি তাহলে আমি ফর এটি দ জেনারেল সলিউশন অর অপটিমাল সলিউশন উই হ্যাভ টু মেক ফর অপটিমাল সলিউশন one of these two conditions. One of these two conditions or both satisfied. দুইটা কন্ডিশন মু এবে দেবি সে দুইটা কন্ডিশন রু এট লিস্ট গোটে সে স্যাটিসফাই করথুব কিংবা দুইটা যাক কলে তো আউরি বড়িয়া আমর ওকে সো মু কন্ডিশন দুইটা দেবি বর্তমান মুবে কন্ডিশন 1 দেখো condition 1 kahila the minimum time on machine A the minimum time on machine A greater than or equal to maximum time on machine B. On machine B. This is condition 1. Condition
ର ମିନିମମ ଟା ଆର ସବୁଠୁ ଯେ ସାନ ଏ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ବଡ଼ଟା ଥିବ ତା ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ଓକେ ମୁଁ ଦେବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ଦ ମିନିମମ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ ବି ଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥିବ सेकेंड कंडीशन था खाली ओनली सी द मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी द मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी द मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी ग्रेटर देन और इक्वल टू मुझे ना दे दो थी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी द मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी ओके सो आइदर ए रो मिनिमम टा बी रो अधिक हेतिबो बी रो मैक्सिमम टू और सी रो मिनिमम टा बी रो इन एनी केस बी टा देखो हमरो आगु बडो हेतिबो इफ दीज आर द टू केसेस देन व्हाट वी विल डू देन कोन करिवा हमें then if these cases or these conditions satisfies then we have to fix two fixtures machines G and H we have to fix two fixtures machines G and H the corresponding time for G the corresponding time or taro jaha dekhiyo for G is equal to A plus B and corresponding time for H is equal to B plus C. Okay, so remember one thing. हमें जो sequencing कर चुले माले बोका ये बढ़िया कर चुले D टा हमारे रहो चुला बटे A रहो चुला बटे B रहो चुला जितने बड़े A रो हमें list नो चुले पढ़े पको चुले जितने बड़े B रो आज चुला जितने बड़े A पढ़े पको चुले ଏବେ ତିନିଟା ମେସିନ୍ ଦେଇଛି ତିନିଟା ମେସିନ୍ରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତିନିଟା ଯାକ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବାନି ଯଦି ଦୁଇଟା ହବ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ଜି ଆଉ ଏଚ୍ ତାକୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମେସିନ୍ର ଟାଇମିଂ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଫିକ୍ସିୟସ୍ ମେସିନ୍ ଜି ଆଉ ଏଚ୍ ସେ ଦୁଇଟା ମେସିନ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ हमें सिक्वेंसिंग टा कर दबा वंस सिक्वेंसिंग हेगला परे बाकी इन आउट इन आउट इन आउट काम एज यूजुअल नॉर्मल हमर प्रोसीजर रे हबो ओके वंस यू हैव द सिक्वेंस देन फाइंड द सिक्वेंस फॉर फिक्सियस मशीन फिक्सियस वे लिखसी माने अति भाभी की नबा कदा सिक्वेंस फॉर मशीन G and H. Then proceed as usual for finding elapsed and idle time. Hela, bujha podila. So वंस जेते बडे हमें इते पहुंचि जीवा सेतिके बडे हमें एटा नॉर्मल प्रोसीजर रे कर दे परिवा ओके क्लियर मुड एग्जांपल दउची त माने बुझी परिवो देखो अच्छा बेले बेले हमको कंडीशन देखिया को दरकार पडिवो नि ए जो दीटा कंडीशन देछि यदि ऑर्डर ए बी सी दे दैथिबो ताले जीटा ए प्लस बी एचटा बी प्लस सी नै जीवा
ऑर्डर जदि दे देछि बुझिले कि ऑर्डर टा जदि देइनी ताले हमको कंडीशन टा देखियो पड़िबो ओके ऑर्डर देइथिला बोली हम गोटे करियो वर्तमान देयर आर 5 जॉब्स क्वेश्चन देखो देयर आर 5 जॉब्स ईच ऑफ व्हिच मस्ट गो थ्रू ईच ऑफ व्हिच must go through machines A, B and C A, B and C in the order A, B, C it is D, 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 D ago A, tapare B, then C A, B, C order is amara Determine sequence for the determine sequence for the 5 jobs find elapsed and idle time. Okay. So डायरेक्ट क्वेश्चन टा टेबल टा आगे देथिबो जॉब प्रोसेसिंग टाइम ए देख ये कंपेयर कर आर ये आमको दे दी ऑर्डर तो जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एच इज इक्वल टू B plus C नबा बट मन कर दे न थांता ताहले हमें कौन कर थे देखो मिनिमम ऑफ हमरो ए ए तो सब तो सानो के 6 मैक्सिमम ऑफ बी कंडीशन 1 टाथला मैक्सिमम ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू तो बी रो मैक्सिमम टा 6 और मिनिमम टा 6 ग्रेट इट इज इक्वल टू होची इज इक्वल टू हेले भी चलिबो ग्रेटर देन हेले भी चलिबो तो कंडीशन 1 टा सैटिस्फाई होला तो हमें g इज इक्वल टू a प्लस b नबा h इज इक्वल टू b प्लस c नबा हैला बुझिला सेकंड कंडीशन टा देखिले हमरो हो नै आरो जोटा मैक्सिमम यदि जो 8 हां एटा भी होची सॉरी यार जोटा मिनिमम 4 एटे आरो मैक्सिमम 6 छी तो सेकंड कंडीशन टा नॉट सैटिस्फाई ओनली कंडीशन 1 सैटिस्फाई छी ओके क्लियर सो देयरफॉर हमें एची इटा को हमें कौन लिखिबा द इक्विवेलेंट प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फाइव जॉब्स एंड थ्री मशीन्स देयरफॉर We have to convert it into two fictitious jobs B and H where G is equal to A plus B, H is equal to B plus B. ओके सो बर्तमान आम टेबुल टा स्टार्ट करें मिसे पड़ो दीटा मिस दीटा मिस एच कर न
जॉब बोलिया ओके तो मिसी दबा एटे 8 थिला एटे 5 थिला 8 5 13 10 प्लस 6 16 6 2 8 7 3 10 11 4 15 ओके सेंते एटे 5 4 9 से प्रोसीजर ही फॉलो करिबो देखो एटे 9 सामने रे 13 अछि 9 सामने रे 10 अछि 9 सामने रे 15 अछि तो ए 9 टा फर्स्ट रे नबा तो एटा में 4 पकेबा सेकंड रे ए 9 टा नबा एटा में 1 पकेबा थर्ड रे ए 9 टा नबा एटा में 5 पकेबा बाकी बड़का 4 तो एटे रहिबो आ सॉरी 2 ठीक ऑटोमेटिकली 2 रहिजिबो ओके देयरफॉर द सीक्वेंसिंग इज 3 2 5 1 4 बदले देले भी किछ होबनी आ गोटे सीक्वेंस देर आर से जो बही रे जो देई छी देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग देई छी ओके 3 2 5 1 4 3 2 5 4 1 3 2 4 1 5 ओके सो देर आर 6 हमरो डिफरेंट करिया कथा करिवो करिकरी फाइनल आंसर तमे आनी की मते से
सेंड करियो ओके क्लियर बुझा पड़ा तुम मान को दिस इज द प्रोसीजर ए प्रोसीजर रे हमें फॉलो करिबा ओके तो मु इतिकी छाड़ी छी तुम मान मत करिकरी सेंड करियो एज इज नॉर्मल जेंती हमरो दीटा मशीन रहउतला एबे सेंती हमरो तीनटा मशीन रे भी सही काम आबा ओके फाइनल आंसर ता हमरा आछी 51 तुम्हें आने की मते सेंड करियो ओके क्लियर बुझी पारले हमें थैंक यू हैव ए नाइस डे।